हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल फॉर साड़ी। तो आज है होली, तो सबके लिए सबको हैप्पी होली। बट थोड़ा सा लेट हो गया है, बट कोई बात नहीं, हैप्पी होली टू ऑल। एंड आज मैं ये वाला हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ। अगर आपके बाल भी छोटे हैं, पतले हैं, हल्के हैं, तो आप ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा और बहुत ईजी है, आप खुद से बना सकते हो। ये मेकअप जो मैंने किया है, लाइनर कैसे लगाया है, पूरा डिटेल वीडियो अपलोड हो गई है, तो जाके चेक कर लीजिएगा। ये मेकअप में मैंने मेकअप प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, बस सिंपली बहुत ही कम प्रोडक्ट में ये मेकअप क्रिएट किया है। कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं था। तो आप जाके देखिए, अगर आपके पास भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं है तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से मेकअप कर सकते हो। पहले मैंने इस तरीके से अपना फ्रंट से बालों का लेयर है वो निकाला है, क्योंकि इससे थोड़ा सा फेस को जो लुक होता है, फेस का लुक अच्छा आ जाता है। इसके बाद इसलिए मैंने इस तरीके से फ्रंट से लेयर निकाला है एंड अपने क्राउन एरिया के हेयर को कुछ इस तरीके से पकड़ा है एंड क्लिप से उसको सेट कर दूंगी। फ्रंट के लेयर को बिल्कुल भी साथ में नहीं लेना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी साड़ी पहन रही है उनको कोई ईजी सा हेयर स्टाइल चाहिए सेल्फ, तो ये हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी उन लोगों के लिए। तो इस तरीके से निकाल दिया मैंने लेयर को, और अभी बैक से वालों को जैसे मैंने पकड़ा है वैसे ही आपको भी पकड़ना है एंड क्लिप से सेट कर लेना है। बहुत ज़्यादा हेयर हो जा रहे हैं तो थोड़े थोड़े हेयर कम करके हल्का सा पफ का लुक देंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा लाइट सा। और इस तरीके से आपको लेयर को अच्छे से बराबर मात्रा में दोनों साइड से निकालना है और इस तरीके से क्लिप को लगा देंगे। अभी मैं गांव आई हुई थी, अब मैं जा रही हूँ वापस से नोएडा। तो आज मैं नोएडा पहुँच चुकी हूँ और ये वीडियो मैं नोएडा में ही एडिट कर रही हूँ, दिल्ली पहुँच चुकी हूँ मैं। तो इस तरीके से हेयर को मैंने सेट कर लिया। बाकी सारे हेयर को फ्रंट से जो लेयर आपको निकालना है वो निकाल लेंगे, बाकी हेयर को जैसे मैं सेट कर रही हूँ वैसे ही आपको भी सेट कर लेना है। साइड से लेयर को निकाल लेंगे, चाहो तो आप लेयर को कर्ल्स कर लीजिएगा, बट मैंने नहीं किया था। इस तरीके से सारे हेयर को कॉम करेंगे अच्छे से और एक पोनी बना लेंगे अच्छे से। फ्रंट से जैसे मैंने सेट किया वैसे सेट कर लीजिएगा और एक पोनी बना लीजिएगा। इस साइड का हेयर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा हेयर वापस से ले लेंगे पोनी के साथ और थोड़ा सा ही लेयर हम निकालेंगे यहाँ पे। और बैक साइड से एक रबड़ बैंड लेंगे और अच्छे से बालों को सिक्योर कर लेंगे। इसको आप कर्ल्स कर लीजिएगा तो काफ़ी प्यारा लुक आ जाएगा। ये मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड हो गई है, तो जाके देख लीजिएगा। अगर मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, आपको मेकअप करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी अपना मेकअप प्रोडक्ट ले जाना भूल जाते हैं और शादी फंक्शन रहता है तो हम लोग मेकअप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आप इस तरीके से बिना मेकअप प्रोडक्ट के आप मेकअप कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिया था एक छोटा वाला डोनट बन, इस तरीके से लगा दिया था। डोनट बन को चारों तरफ से यूपिन से सिक्योर ज़रूर कर लीजिएगा, उससे जो आपके बन का लुक है वो काफ़ी। तो डोनट बन को हमने लगा लिया था। डोनट बन लगाने के बाद से मैंने यहाँ पे लिया एक पतला वाला रबड़ बैंड और डोनट बन को अपने बालों से अच्छे से हाइड करेंगे इस तरीके से। जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे कर लीजिएगा, मैंने इस तरीके से किया था। ओके, उसके बाद मैंने लिया था ये पतला वाला रबड़ बैंड और इस तरीके से एक हाथ से होल्ड करके बन को दूसरे हाथ से इसको लगा दिया था। उसके बाद बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे रबड़ बैंड लगाने के बाद डोनट बन को चारों तरफ से यूपिन ज़रूर लगा दीजिएगा। इससे अगर आपका जो बचा हुआ बाल है वो डोनट बन के ऊपर लगता है और अंदर इन नहीं होता, जिससे आपके बन का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो यूपिन लगाए बिना बालों का, अगर बहुत लंबे बाल है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर मेरी तरह छोटे हैं तो पहले आप यूपिन लगा लीजिएगा ताकि जो आपका बन है वो उसका लुक अच्छे से आए। अब बचे हुए बालों को दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहले मैंने सोचा सिंगल कर लूँ, बट सिंगल अच्छा नहीं हो पाएगा, तो आपको दो भाग में डिवाइड करना है बचे हुए बालों को। और ये देखिए, होली हमने सुबह में खेली थी जिसकी वजह से कलर जो है वो मेरा पीठ से गया नहीं है अभी तक। तो इस तरीके से अच्छे से बालों को सिक्योर करते हुए यूपिन से सेट कर लेंगे। देखिए, हमने यूपिन लगाया था तो जितने भी बाल हैं हमारे वो डोनट बन के साइड में दिख रहे हैं। अगर आपने यूपिन नहीं लगाया होता तो जो हेयर हैं एक्स्ट्रा हेयर वो डोनट बन के अंदर इन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो
हेयर स्टाइल का लुक है वो अच्छे से नहीं आ पाता, डोनट बन लगाने की सॉरी यू पिन लगाने की वजह से साइड से हमारे बाल ऊपर ही रह गए हैं, जिससे कि हमारा जो बन का लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो आप भी डोनट बन लगाने के बाद रबड़ बैंड लगा के यू पिन से इसको सिक्योर कीजिएगा, उसके बाद ही बच्चे के बाल को उसके चारों तरफ लपेटिएगा। तो है ना बहुत ईजी सा और अच्छा सा हेयर स्टाइल जो कि सेल्फ कर सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पतले हल्के बालों के लिए बेस्ट रहेगा, तो पतले हल्के बालों में ये हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भाई बहुत पसीना हो रहा था बट मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था, मेकअप सुबह तक ऐसे का ऐसे था विदाउट मेकअप प्रोडक्ट। काफ़ी अच्छे से आप घर पे जो आपके पास सूखा पाउडर वगैरह होता है उसी से आप ये मेकअप क्रिएट कर सकते हो। बस उसके बाद मैंने पतली वाली क्लिप्स लेके इस तरीके से फ्रंट के हेयर को सेट किया था, सिक्योर कर दिया था। अगर बहुत ज़्यादा बेबी हेयर है तो आप सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आदिवासी हेयर ऑयल लगा रही जिसकी वजह से मेरे जो बेबी हेयर्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखते हैं और फ्रंट में जो हेयर है वो अच्छे से सेट नहीं होते। तो मैंने बाद में पानी लगा के फिंगर से ऐसे किया था क्योंकि मैं अपना जो कर्लर है स्ट्रेटनर है वो लेके नहीं आई थी। तो इस तरीके से मैं पल्लू को सेट करूँगी। पल्लू सेट करते टाइम दूसरी साइड हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा पल्लू छोड़ना चाहिए जिधर पिन आपने लगाया हुआ है साड़ी में। तो ये था मेरा फाइनल लुक हेयर स्टाइल करने के बाद और मेकअप के बाद। कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो और कुछ पिक्स मैंने लिए थे तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। देखिए इस तरीके से पल्लू सेट करना चाहिए, साइड से थोड़े से बालों का जो पल्लू का वजन है वो छोड़ देना चाहिए कम से कम 10 इंच तक, उसके बाद आपको पल्लू सेट करना है तो आपका जो लुक है वो बहुत काफ़ी प्यारा आएगा। उसके बाद आप यू पिन से सेट कर लीजिएगा अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए पल्लू रखना है सिर पे तो, और गिरना नहीं चाहिए तो। तो कैसा लग रहा है आपको ये वाला लुक? आई होप कि पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, हेयर स्टाइल पसंद आया हो, इजी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चाहिएगा नहीं अभी फ़ोटो देख लीजिए जो मैंने क्लिक करवाई थी होली खेलने के बाद। ये हमारे छत का पिक है, तो कुछ पिक्स लिए थे जो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। आपको सबसे अच्छा कौन सा पिक लगा और हेयर स्टाइल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और आपके पतले हल्के जिनके भी बाल हैं उनके पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक दिन पहले मैंने होली के लिए मेकअप और हेयर स्टाइल बताया था तो उस टाइम मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। ये मैंने मिरर में फ़ोटो क्लिक किया था ये वाला। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। सेकंड चैनल पर सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियो जाती रहती है तो सेकंड चैनल पर भी जाके विजिट जरूर कीजिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सिलाई से रिलेटेड जो भी दिक्कत है डाउट है वो मुझसे आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।